वेलकम टू रेडियो मीडिया टेक। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले फेडलर्स टॉय कार की, रिमोट कंट्रोल कार है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन जो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जो कि आप इसके देख रहे हैं, पैकेजिंग बहुत बेकार की हुई है, जैसे लग रहा है कि खोल के देखा गया हो। तो जो भी हो, चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। टूट सा गया है। लेट्स टेक इट आउट। ये रहा आपका कार। चलो देख सकते हैं, ये तीन मॉडल है। मैंने रेड वाला परचेस किया है। आगे से इसका ये लुक है। चलिए अब इसे खोलते हैं। साथ में बैटरी भी मिली है। एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बैटरी दी हुई है। कट इसकी रिमोट है। इसे अच्छे से यहाँ लॉक किया गया। इसका ये स्टैंड है सर, ये स्टैंड है, स्टैंड के साथ मिला है। तब इसे खोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसमें बैटरी लगाते हैं। यहाँ मैंने बैटरी इंसर्ट की, दो बैटरी लगती है 1.5 वोल्ट की, और कार में पांच बैटरी लगती है। मैंने इंसर्ट करके रखा है 1 2 3 4 5, ये भी 1.5 वोल्ट की बैटरी है। इसे यहाँ से ऑन करते हैं और ये इसे मैंने तो इसे चलिए ट्राई करते हैं। उसके पहले मेरे पास एक और कार है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो अच्छी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक की बॉडी है, एकदम बिल्कुल अच्छी बॉडी नहीं है इसकी, बहुत बेजे से बस इसे यहाँ पे टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया गया है इसके द्वारा। बहुत ख़राब बॉडी है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक और कार है जो कि मैंने परचेज़ किया था, अभी वो ख़राब हो चुका है। ये देख सकते हो, ये थोड़ी छोटी है पर आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में से। इसके हेडलाइट भी है जो ग्लो करते हैं,
और ये देखे बॉडी, बॉडी उसकी एकदम अच्छी है। एक्सीडेंट हो गया। तो गाइज मेरी रिव्यू ये है कि आप इसे परचेज मत करो, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और बहुत ड्रिफ्ट करती है। इसका रिमोट भी उतना सही नहीं, कहीं कहीं चलाने में फंसता है। तो उससे अच्छा आप मार्केट में जाओ और मार्केट से ऐसा देख के खरीदो जिसकी रिमोट इस टाइप की हो, ना कि इस टाइप की। अच्छी कंट्रोल नहीं होती इससे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना मत भूलना।